जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनायस ऑनलाइन हब पे, जहां दोस्तों मिलती है अनायस से जुड़ी ताज़ा अपडेट और लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था कि आप लोग को कमेंट्स के लेकर सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं। तो बहुत सारा शिक्षकों ने इसमें वोटिंग अपना दिया है, इसका मतलब ये जाहिर होता है कि आप लोग को जो है सेपरेट वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, इस नए कमेंट्स बॉक्स में यानी आज जो है एक फर्स्ट कमेंट बॉक्स करने जा रहा हूँ आप लोग के डिमांड्स पर। जितने भी शिक्षकों ने इसमें कमेंट्स किया है, इस एक दो दिन के अंदर में इस कमेंट्स का जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, और जो भी कमेंट्स किए हैं सारे जवाब आपको मिलेगा। आप वेट कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आइए आपके कमेंट्स का जवाब लेते हैं। जो है आपके कमेंट्स को लेना मैं शुरू कर दिया हूँ, और आज का जो है पहला कमेंट सेशन है। कोई भी कमेंट्स रहेगा यानी डाउट रहेगा तो नीचे में दोस्तों आप कमेंट्स कर देना, और मैं इसको जो है सेपरेट वीडियो में आपको जो है कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आइए एक एक कमेंट्स का यहाँ पर जवाब लेने वाले हैं जो कि पिछले 2 दिन के यहाँ पर आपको बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं राहुल कुमार जी का यहाँ पर कहना है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसके कमेंट्स का वही जवाब देने वाला है। लिखा हुआ है राहुल कुमार जी, लिखते हैं कि मेरा एनसी क्लियर हो गया है, फिर भी अभी तक मार्कशीट नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किस रीजनल सेंटर से हैं ये आप ज़रूरी लिख के भेजिएगा, ताकि मैं सेपरेट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और जहाँ तक के दोस्तों एनसी वाले जी के क्लियर हो गया है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें, नहीं होता है तो अपने DY कार्यालय से संपर्क करें, BRC से संपर्क करें, क्योंकि रीजनल सेंटर से सारी का भेज दिया जाता है, वहाँ BRC थोड़ी सी लापरवाही करते हैं जो कि आपके नहीं भेजते हैं। आइए अगले कमेंट्स को लेते हैं। AK सिंह का कहना है यहाँ पर कि मेरा एनसी नहीं हटा है। फिर दूसरा कमेंट्स वही करते हैं कि यहाँ पर मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो मैं AK सिंह जी को, आपको पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ऑन डिमांड फॉर्म भरें, तभी आपका हटेगा, क्योंकि दोस्तों आप 50% पूरा नहीं करते हैं तो आपको नहीं हटेगा, यानी एनसी क्लियर नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी आपको 12th में 50% होना चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, और 5% छूट मिलती है जो 45 जो रहते हैं STSC OBC और PH वाले। अगला कमेंट ले लेते हैं प्रकाश चंद्र प्रमा का। तो इसने कमेंट किया है कि सर, मेरा भी एनसी नहीं हटा है, और मैं यानी हायर सेकेंडरी 45 मार्क्स NIS सेंटर पर 24/4/2019 को ही अपलोड कर दिया था, लेकिन अभी तक नहीं सुधार आया है, अब मैं क्या करूं सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों, इन्हीं कमेंट्स को देकर मैं कमेंट्स बॉक्स स्टार्ट किया हूँ, जो कि आज एक है। अपना कोई भी क्वारी हो तो नीचे में कमेंट करना। तो दोस्तों, जो है यहाँ पर प्रकाश चंद्र वर्मा का यहाँ पर कमेंट है कि मैंने जो है 24/4/2019 को ही अपलोड किया है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा प्रकाश चंद्र वर्मा जी, कि आप अपने जो है नहीं हटा है अभी तक, सुधार नहीं हुआ है, एनसी नहीं हुआ है सुधार, तो आप जो है एक बार रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें, या हो सके अधिक अगर आप जा सकते हैं तो जो है हेड क्वार्टर नोएडा जाइए, वहाँ से आपको ज़रूरी कोई सहायता मिलेगी। अगला कमेंट से ले लेते हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है अभी तक। देख सकते हैं, क्या दिसंबर में सीटेट पास करने वालों के लिए नियोजन में मौका मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों, ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन 2-3 दिन का पेपर में अगर देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ था कि जो अगस्त के इस डेट से आपको किया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और आगे अगर कहा जाए तो जो 2012 के नियमावली अगर कहा जाए तो उसमें लिखा हुआ था कि कल से भरे जाएंगे, और इस तिथि से अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी जजमेंट ऑर्डर आएगा तभी पूरा क्लियर होगा। और आगे यहाँ पर कहना है मनोहर कुमार जी का कहना है यहाँ पर कि SYCT यहाँ पर होगा, दैट दैट आपत्ति के 1 महीने बाद सुधार, बट मार्कशीट नहीं आया।
तो मार्कशीट के लिए आपने जो है DY या कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें, क्योंकि या BRC से संपर्क करें आप पहले। उसके बाद यहाँ पर अगला कमेंट आना है MD अमित हसन का, जिसने कहा है थैंक्स सो मच भाई, मैं इसी का वेट कर रहा था। हमारा री एग्ज़ाम का रिजल्ट और सर्टिफिकेट भी महीने के अंदर मिल जाए इंशाल्लाह। मैं भी यही जो अनुमान लगा रहा था, क्योंकि 32,000 ही टीचर थे जो इस बार री एग्ज़ाम मेरे मेरा मेरिट परसेंटेज इतना है और मैं जो है नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि CV शर्मा के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि जल्द ही आप लोग को भी री एग्ज़ाम वाले जो भी सीटेट क्लियर हैं उसको भी मौका मिलेगा नियोजन में। मेरा 60% से ऊपर है सृष्टि, और अप्लाई कब करेंगे? तो अप्लाई के लिए जब तक जजमेंट कॉपी नहीं आता है, MD अंसर जी का यहाँ पर कमेंट से कि जब तक आप नहीं आ जाता है आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और अगला कमेंट है MD आयुष अली का, इस नियोजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस से फ़र्क नहीं पड़ेगा जी? आप अच्छे से लिख के करें, अप्लाई से पहले रिजल्ट आना चाहिए, ज़रूरी आएगा। अप्लाई से पहले आपका री एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट आ जाएगा। और अगला कमेंट सब लेते हैं दोस्तों, अगला कमेंट से सबून आलम का, यहाँ पर देख सकते हैं अगला कमेंट से कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। किसका ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए आप अच्छे से कमेंट्स करें, क्या किस मैटर पर जो है। अगला है फजीलत परवीन का, क्या इसमें कहा गया है कि ऑफिशियल डेट कब आएगा आएगा अप्लाई करने का? सर आंसर मी, तो यहाँ पर आपका ही आंसर दे रहा हूँ इसमें। तो इसमें कहना है कि यानी नियोजन की जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं हो जाती है तब तक आप वेट करें। अगला कमेंट्स लेते हैं रमन कुमार का, इसने कहा है कि रमन कुमार BEd सीटेट पास दिसंबर वालों को मौका मिलेगा कि नहीं? तो आप लोग को इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये DLED NIS DLED का मामला है। अगला कमेंट्स ले लेते हैं, अगला कमेंट्स से मनीकांत, यहाँ पर दिसंबर वालों को मौका मिलना चाहिए। देखिए इस पर कहना अभी जो है इस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मिलना तो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक है सभी के हित में ये फैसला आया है जो जीत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जजमेंट ऑर्डर का वेट करें और कोई भी गलत काम ना उठाए। आगे यहाँ कमेंट्स अनिल कुमार सिंह की, NCT नहीं मान रहा है ये NIS बिहार बहाली में शामिल होकर। NCT मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर, उसने कहा था कि आप लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट से ही आप लोग को फैसला मिलेगा, और जैसा फैसला आएगा NCT शुद्धि पत्र जारी करना करेगा। आगे यहाँ पर कमेंट से कि सोनू सिंह का, प्लीज़ सर दिसंबर वालों का मौका मिलना चाहिए या नहीं, प्लीज़ फाइंड। तो सोनू जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक जजमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता है इस पर मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मिलना चाहिए जहाँ तक है संभावना। और प्रीति कुमारी का यहाँ पर कमेंट्स करना है कि रिप्लाई दीजिए ना सर, दिसंबर वालों को मौका मिलेगा कि नहीं? वहीं पर यहाँ पर कहना है कि दिसंबर वाले को चांस मिलेगा कि नहीं, तो आप ही को यहाँ पर कमेंट्स दे रहा हूँ प्रीति जी, कि आप लोग जो है जजमेंट कॉपी का वेट कीजिए और जो है कोई ऐसा काम ना करें जिस पर कोई प्रभाव पड़े नियोजन पर। आगे कमेंट्स करना है धीरज कुमार का, कुछ नहीं होगा रे बबुआ NIS वाले, इम्पोसिबल नहीं, कितना भी चिल्ला लो जरूर होगा। हम लोग हाईकोर्ट से जो है जीत गए हैं, और आप लोग इस तरह का कमेंट्स ना करें, क्योंकि ये NIS का मामला है। और आगे कमेंट्स करना है नीतीश कुमार का, यानी दिसंबर वाले पर ध्यान दे सर, ज़रूरी हम ध्यान दे रहे हैं, और इस मुद्दा को भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप नहीं देखें तो जो है कमेंट्स बॉक्स में आप देख सकते हैं, यानी नीचे में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आगे कहना है इंद्रनाथ नंद यादव का कि सीटेट दिसंबर को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो है कॉपी नहीं आया है सर। कुछ गधे इस अफवाह को फैला रहे हैं, और उसे क्या कहेंगे आप? तो आप जी आप अच्छा से करें, हम इस पर आपको कमेंट्स भी किए हैं कि क्या अफवाह है,
आप इस पे कोई रिप्लाई नहीं किए हैं। अगला कमेंट लेते हैं गुलाब गुलाब गुलाम जी का। सर, अनायस अनट्रेंड हल्दी सोसाइटी का ट्रेनिंग 15 जुलाई को हुआ था, कुछ पता नहीं है सर, वीडियो बनाइए। तो किस पर जो है इस पर क्या आप लेना चाहते हैं इस पर, तो आप नीचे में अच्छे से कमेंट करें। आगे कहना सुधीर कुमार का कि जय हिंद जय हिंद। और जेवा एंगल का यहाँ पर कहना है कि दिसंबर वालों को मौका मिलना चाहिए, ज़रूरी मिलेगा, जजमेंट कॉपी का वेट करें। और राइट नाउ वर्ल्ड का सर, ओनली अनाइस डीलर वालों को क्या होगा सीटेड या नहीं, इसका कहना है कि सर ओनली अनाइस डीएलएड वालों का क्या होगा जो सीटेड नहीं किया है। तो जो जो सीटेड नहीं किया उसको मौका नहीं मिलने वाला है। अनाइस का सर्टिफिकेट कब मिलेगा बिहार मुजफ्फरपुर, तो आप अपने जो है डीवाई कार्यालय से संपर्क करें और अपने बीआरसी से संपर्क करें। और यहाँ पर अगला कमेंट है दीपक कुमार का, रेगुलर डीएलएड वाले डबल बेंच पर पहुँचाएंगे, ये गलत कमेंट इस तरह का ना करें, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा सबूत है एनआईएस डीएलएड जो है, हम लोग पूरी तरह से सही हैं और सही जो रहता है वो हमेशा पीछे नहीं हटता है। दिसंबर 2019 वालों पर ध्यान दीजिए सर प्लीज़। इस पर देखिए इस पर कहना अभी जब तक जजमेंट जे बजरंग बली। अगला कमेंट है पुलकित का कि सीटेड दिसंबर को मौका मिलना चाहिए, ऑर्डर कॉपी कब आएगा। ऑर्डर कॉपी जो है आज के डेट में आएगा, और जो है आज के डेट में 100% इसकी गारंटी है आने की। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स को आपके कमेंट्स का जवाब इतना था जो कि मैंने इस वीडियो में पूरा किया है। आगे भी कोई भी इस तरह का इंक्वायरी रहती है तो नीचे में कमेंट्स करना ताकि मैं नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले आऊँ। मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने कमेंट्स का जवाब ले लिया, और ऐसे ही अगर आगे और कमेंट्स का जवाब लेना चाहते हैं तो नीचे में कमेंट्स करना, ताकि एक दो दिन के अंतराल में जो भी अपडेट आएगा मैं दे दूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज जो है कोर्ट ऑर्डर आना है, जो भी आगे की लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।